मेरा नाम पीहू है और पिछले पार्ट में आपने देखा कि मैं नौकरी की तलाश में गुजरात चली गई थी। वहाँ पर मैंने एक नए मोहल्ले पर एक घर लिया था, एक अपार्टमेंट, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह थी। कहने को तो वो जगह थोड़ी पुरानी थी, पर हमारी बिल्डिंग काम चलाऊ थी। वहाँ के लोग शुरुआती में बहुत ही ज़्यादा अच्छे और फ्रेंडली थे। वो मुझे रोज़ खाने को भी दिया करते थे और मेरा ख्याल भी रखते थे। पर जब भी मैं नीचे वॉक करने के लिए जाती तो लोग मुझे बहुत ही अजीब तरह से देखते थे। शुरुआत में तो मुझे लगता था कि शायद कुछ कमी है मुझ में, इसलिए ये लोग इस तरह से देख रहे हैं। पर धीरे धीरे मुझे उनकी आदत सी होने लगी थी। वो बस मुझे देखते ही रहते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और क्रीपी हो गया था। थोड़े ही दिनों के बाद रात में मुझे नींद आनी बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और मुझे दिन भर नींद आती थी और रात में अपने रूम में मुझे नींद आती ही नहीं थी। ये सोचकर मैं डॉक्टर के पास भी गई थी। वहाँ पर उसने मुझे थोड़ी बहुत नींद की गोलियाँ दी थी और डॉक्टर ने कहा था रात को खाना खाने के बाद एक गोली लेकर बेड पर लेट जाना। जैसा कि उन्होंने कहा, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और दवाई खाकर बेड में लेट गई। मैं बस यही सोच रही थी कि अब शायद मुझे नींद आएगी और मैं आज चैन की नींद सोऊंगी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कोई बोरिंग सी मूवी ही लगा ली जाए, जो मैंने हॉस्पिटल में ही देखी थी। हो सकता है कि उस मूवी को देखते वक्त ही मुझे शायद नींद आ जाए। ये सोचकर मैंने वो मूवी लगा ली। यकीन मानिए, इससे घटिया मूवी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। वो पूरे 3 घंटे की थी और मैंने वो मूवी पूरी कंप्लीट कर ली थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पर मेरी आंखों पर एक भी नींद नहीं थी। तब मैंने तुरंत ही दूसरी मूवी लगा ली और मैंने उस मूवी को भी पूरा कंप्लीट कर लिया था, पर मेरी आंखों पर एक भी नींद नहीं थी। मैंने फिर तुरंत ही दूसरी दवाई खा ली, सोचा कि शायद डबल डोज ले लूँगी तो मुझे नींद आ जाए, पर मेरी आंखों पर अब एक भी नींद नहीं थी। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना नीचे टहल कर ही आ जाया जाए, क्योंकि नींद तो मुझे आने से रही अब। जैसे ही मैं नीचे गई तो लोग मुझे वापस से बहुत ही अजीब तरह से देखने लगे थे। मैंने सोचा कि आज दूसरे बिल्डिंग के गार्डन जाकर ही वॉक किया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो लोग मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे। जैसे ही मैं दूसरी बिल्डिंग पर वॉक करने के लिए गई, वहाँ के लोग भी मुझे देख रहे थे बहुत ही अजीब तरह से। पर वहाँ के लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे मुझे देख देख कर। ये पहले के लोग नहीं करते थे, वो बस मुझे देखते रहते थे, पर यहाँ के लोग मुझे देखकर बातें कर रहे थे। क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, मुझे लग रहा था कि आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या हो गया है। कि तभी मेरे पास एक बूढ़ा आदमी आया और वो मुझसे ज़बरदस्ती ही बात करने लग गया। पर मैंने ये नोटिस किया, जैसे ही मैं दूसरे बिल्डिंग के गार्डन पे वॉक करने लगी, मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी थी। मेरी आंखें बहुत ही ज़्यादा भारी हो गई थी, शायद अब वो गोलियां असर कर रही थी। पर वो बूढ़ा आदमी मुझसे बात किए ही जा रहा था। वो मुझसे पूछ रहा था कि तुम कहाँ रहती हो, क्या वो बिल्डिंग के लोग अच्छे हैं, वगैरह वगैरह। मैंने भी उन्हें बताया कि मैं यहीं पास वाली बिल्डिंग में ही रहती हूँ और वहाँ के लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तब उन्होंने कहा कि अरे वाह, वहाँ पर लोग वापस से रहने लगे हैं क्या। तो मैंने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। तब उन्होंने बताया कि उस बिल्डिंग पर आग लग गई थी और इसी वजह से वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई थी। तब मैंने उन्हें बताया कि नहीं, वो बिल्डिंग अब वापस से बन गई है और वहाँ पर लोग भी रहने शुरू हो गए हैं। तब उस आदमी ने कहा कि चलो अच्छी बात है, वहाँ पर भी अब लोग आ गए हैं। वो आदमी मुझसे बात किए ही जा रहा था, पर मुझे बहुत नींद आ रही थी कि तभी अचानक से मुझे घुंघरुओं की आवाज़ें आने लगी और मैंने देखा कि नीचे जितने भी लोग थे वो सब अपने अपने घर जा चुके हैं, बस नीचे मैं और वो बूढ़ा आदमी ही था। उन घुंघरुओं की आवाज़ से मेरी नींद भाग रही थी। मैंने उस आदमी से कहा कि मुझे अब जाना होगा। ऐसा कहकर मैं उस आदमी से दूर जाने लगी, पर जैसे ही वो आदमी मेरे पास आने लगा, मुझे वापस से घुंघरुओं की आवाज़ें आने लगी। मैंने उनसे कह दिया कि मुझे सुबह उठकर जल्दी ऑफिस जाना है और मुझे अब जाना होगा। ऐसा कहकर मैं भागते हुए अपने रूम में आ गई। मेरी आंखों में नींद थी और बस मैं सोना चाहती थी। जैसे ही मैं अपने बेड में लेटी,
आप यकीन नहीं मानेंगे पर मेरी नींद भाग गई थी। मैं अब पूरी तरह से परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मैं सो क्यों नहीं पा रही हूँ। ऐसा फिर आगे एक हफ्ते तक कंटिन्यू चलता रहा। मुझे अपने ऑफिस जाना ही पड़ता था, मैं छुट्टी नहीं ले सकती थी और मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए भी छुट्टी लेनी पड़ती, इसलिए मैं डॉक्टर से भी नहीं मिल पा रही थी। डॉक्टर ने जो मुझे गोलियाँ दी थी उसे मैं रोज़ खाती ये सोच कर कि शायद अब मैं सो जाऊँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और मेरा वज़न अब बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था, मैं 40 किलो की हो गई थी और मैं बहुत ही ज़्यादा बदसूरत और हड्डी जैसी दिख रही थी। पर मेरे अपार्टमेंट के लोग इस बात को नहीं मानते थे, वो मुझे कहते थे कि मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ और मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। कि तभी अचानक गुजरात में मेरा एक रिलेटिव आया था और उसने मुझे कॉल कर मुझसे मिलने की बात की। तब मैं भी उससे मिलने के लिए चली गई थी रेस्टोरेंट में। जब मैं उसका वेट कर रही थी तब उसने मुझे देखा और उसने देखकर मुझे सबसे पहले यही कहा कि ये तुमने अपना क्या हाल बना कर रखा है। मैं समझ ही नहीं पाई कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब उसने मुझसे कहा कि तुमने अपनी हालत देखी है, तुम कितनी ज़्यादा पतली हो गई हो, क्या हो गया है, कुछ परेशानी है क्या या नशा शुरू कर दिया है तुमने। अब मैंने उसे सारी बात बताई कि मेरे नए घर में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है और मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तब उसने मुझे यही सजेस्ट किया कि मुझे उस घर को बदल लेना चाहिए और कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर मैं उसे अपने वही नए घर लेकर जा रही थी। उसने कहा कि हम वहाँ से तुम्हारा सामान उठाएंगे और कहीं और शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही उसके साथ मैं अपने अपार्टमेंट के पास पहुँची, वहाँ पर लोग मुझे ऐसे ही देखने लगे थे। तब मेरे रिलेटिव ने भी मुझसे कहा कि ये लोग तुम्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं। तब मैंने उसे बताया कि ये लोग ऐसे ही देखते रहते हैं, इन्हें इग्नोर करो। ऐसा कहकर जैसे ही मैं अपने बिल्डिंग के गेट की तरफ पलटी, मेरे होश उड़ गए थे। मेरे सामने एक बंजर सी बिल्डिंग थी जिस पर पूरी तरह से जले हुए निशान थे, जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। एक पल तो मुझे ऐसा लगा शायद मैं किसी गलत बिल्डिंग पर आ गई हूँ। मैंने आसपास देखा तो वही मेरी बिल्डिंग थी। मैं अपने रिलेटिव के साथ उस बिल्डिंग के अंदर गई। उस बिल्डिंग का हालत ख़राब था, हर एक दरवाज़ा टूटा हुआ था। मैं अपने रूम पर गई, मेरा रूम पूरी तरह से जला हुआ था। वहाँ पर बस मेरे ही कुछ सामान रखे हुए थे। हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। मैंने तुरंत ही अपना सामान उठाया और उस बिल्डिंग से बाहर आने लगी। जैसे ही मैं बाहर आने लगी, उस बिल्डिंग से बहुत ही ज़्यादा चीखों की आवाज़ें आने लगी, जैसे कि मानो कोई आग में जल रहा हो। उसके बाद हम दोनों ही घबराते हुए उस बिल्डिंग से बाहर भागने लगे और बाहर निकल कर हम बहुत तेज़ी से दूसरी तरफ भागने लगे चिल्ला कर। तब वहाँ पर कुछ और लोगों ने हमें घेर लिया और वही बूढ़ा आदमी भी मेरे पास आया। उसने मुझसे पूछा कि क्या हो गया है। तब मैंने उन्हें सारी बात बताई कि हमारे साथ जस्ट अभी क्या हुआ है। तब उन लोगों ने बताया कि बहुत साल पहले इस बिल्डिंग पर आग लग गई थी और करीब 400 लोग मर गए थे। उसके बाद से ये बिल्डिंग श्रापित हो चुकी है, लोगों को अक्सर ही वहाँ पर भूत प्रेत नज़र आते हैं। और जब भी मैं उस बिल्डिंग से बाहर निकलती थी तो सबको लगता था कि शायद मैं भी शायद उसी बिल्डिंग पर ही जलकर मर गई थी। सब कुछ जानने के बाद मैं अपना सारा सामान लेकर अपने रिलेटिव के घर ही चली गई। उसके बाद मैंने कहीं और रहने के लिए जगह ढूंढ ली। मैं वापस दोबारा कभी भी उस बिल्डिंग पर नहीं गई।